नाज़रीन आप आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इंसान की चाहत है उड़ने को पर मिले, इंसान की चाहत है उड़ने को पर मिले और परिंदे सोचते हैं रहने को घर मिले। जी हाँ नाज़रीन, आजकल नकल मकानी करने वाले परिंदों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मौसम की सख्तियां झेलने वाले इन परिंदों के हौसले कितने बुलंद हैं ये बता रहे हैं पेशावर से अमाद आबान। दुनिया में लगभग 10,400 मुख्तलिफ अकसाम के परिंदे पाए जाते हैं और हर साल इनमें से 5,000 मुख्तलिफ छोटे बड़े परिंदे जाड़े में शुमाल से जुनूब और वापस बहार गुजरने पर शुमाल का 3200 किलोमीटर सफर तय करते हैं। कनाडा और अमेरिका में परिंदों की ये नकल मकानी मौसम की तब्दीली के लिहाज से लेकर नए जोड़ों के मिलाप और अफजाइश नस्ल का मरहला होती है। कहीं रूस से परिंदों के काफिले चलते हैं और कहीं नॉर्दर्न यूरोप से जनूबी अफ्रीका तक झुंडों के झुंड आजादी से हजारों मील का सफर तय करके नई मंजिल पर पहुंचते हैं। परिंदों के तहफ्फुज़ के लिए काम करने वाली वेबसाइट माइग्रेटरी बर्ड डे के मुताबिक परिंदों की ये नकल मकानी रोजाना की बुनियाद पर हो सकती है। कहीं सीजनल और कहीं पर साइक्लिंग माइग्रेशन होती है जिसमें हर 4 से 5 साल बाद परिंदे नकल मकानी करते हैं। सीजनल नकल मकानी में रूस और साइबेरिया से आने वाले परिंदों के झुंड तो बरसगीर में भी गर्मियों के आगाज पर देखे गए हैं जिन्हें सैकड़ों हजारों मील का फासला तय करके अपने घर से नकल मकानी और फिर सीजन गुजरने पर वापस अपने घर जाना होता है। दुनिया के बहुत सारे मुल्क परिंदों की इस हिजरत का साल भर इंतजार करते हैं और झुंडों की सूरत में वापस आते हुए परिंदों को कतार दर कतार दूरबीन से देखना अमरीका जैसे मुल्क में एक रिवाज भी है। परिंदों के हकूक पर काम करने वाली आलमी तंजीमों का कहना है कि हमें कुदरत के बोलने का एहसास परिंदों की चहचहाहट से होता है। उनका घर नहीं लेकिन फिर भी आजादी से उड़ती फुदकती ये मखलूक इस कायनात का वो हुसन है जिसके बगैर हमारी सुबह बेरौनक और शामें उदास हो सकती हैं अगर हम आज नकल मकानी करने वाले परिंदों का तहफ्फुज़ न कर सके। 8 मई इस अहद की तजदीद का दिन भी है। अमादवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, पेशावर।